हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बताऊंगी, मैं गई थी आज बाज़ार से मैं ये ख़रीद करके लाई हूँ ट्राईपॉड। और मेरे को वो मंगाई थी पहले वाला, वो सस्ते में दिया था 1000 रुपया में, वो ठीक नहीं था। तो मैं ये दूसरा मंगाई हूँ, ये 4000 का है और इससे बहुत अच्छा वीडियो बनता है। आज मैं जो ख़रीदारी करके लाई हूँ वो दिखाऊंगी। आज मैं ये साड़ी लाई हूँ, ऑर्गेंजा साड़ी है। मैं एक ये साड़ी लाई हूँ और दूसरा ये लाई हूँ, ये है 6000 का साड़ी, वो था 3500 का। और ये भी 3500 का है। और दो साड़ी मैं लाई हूँ, ये भी 6000 का है। दो साड़ी लाई हूँ 6000 का, दो 3500 का। मैं 4 साड़ी खरीद करके लाई हूँ। और आज मेरी बेटी बर्थ में थी तो आज मैंने बनाया आलू बैंगन टमाटर की सब्ज़ी। इसमें मैंने पहले प्याज काट करके डाल दिया, फिर मैं इसमें मिर्ची और प्याज का छौंक मारी हूँ। उसके बाद आलू और बैंगन डाल करके और सारा मसाला डाली हूँ। और जब आलू इसमें घर का ही मसाला डाले हैं, हल्दी मिर्ची जीरा मिर्च ये सब मैं डाली हूँ। और फिर मैं टमाटर डाली हूँ इसमें। सब्ज़ी अब बन करके तैयार हो गया है। मेरी बेटी बर्थ में थी, कुछ खाना वाना नहीं खाई थी, इसलिए मेरे को आज जल्दी जल्दी खाना बनाना पड़ा। और अब मैं वो बर्थ में रहती है तो वो कच्चा मिर्ची को फ्राई करके बनाते हैं, मैं वो बनाऊंगी अब। और चावल बनाऊंगी और चरौड़ी चिप्स जो तय आज मैं सब छानती हूँ। तो अब इसके लिए मैं मिर्ची लाई हूँ, ये हरी वाली मिर्ची है। अब इसको बीच से कट कर देंगे और कट करके फिर इसको तेल और नमक डाल करके इसको फ्राई करेंगे। वो जब भी व्रत में रहती है तो ऐसे ही वो खाती है। हाँ, ये फ्राई वाला मिर्ची खाएगी और आलू बैंगन टमाटर का सब्ज़ी खाएगी और चरौड़ी चिप्स और ये कच्चा चावल ही खाएगी। ये देखिए, अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। इसको बीच से काट देंगे और काट करके फिर इसको मैं फ्राई करूँगी। ये देखिए, अब सारा मिर्ची कट गया है। और बड़ी वाली बेटी वो बर्थ नहीं रखी थी, वो ऑफिस जा रही है, उसको लंच नाश्ता सब दे दिया है, अब वो ऑफिस जा रही है।
और इसको अब मैं तेल गरम करूंगी और तेल गरम करके फिर मैं इसको छोंक मार दिया है। अब इसको मैं अच्छी तरह से फ्राई करूंगी और फ्राई करके फिर उधर मैंने तेल गरम होने के लिए चढ़ा दिया है। इसमें थोड़ा सा नमक भी डालते हैं, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है खाने पे, दाल चावल और सब्जी के साथ ये फ्राई किया हुआ। मिर्ची भी खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। मिर्ची भून करके अब मैं चरौड़ी चिप्स छानूंगी। आज मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठी थी क्योंकि वो बर्थ में रहती है तो उसे नींद नहीं आती है, इसलिए सुबह उठ करके फिर मैंने जल्दी जल्दी सब कुछ बनाया है और अब मैं उसे दूंगी खाने के लिए। अब मैं चरौड़ी छौंकूंगी। ये मैं जा रही हूँ खाना देने के लिए। ये चरौड़ी छौंक रही हूँ मैं। अब ये चरौड़ी भी जा रही हूँ देने के लिए दोनों को। मेरा बेटा लेट जाता है, वो जाता है 11 बजे यहाँ से जाता है ऑफिस, तो उसके लिए मैं बाद में लंच बनाऊँगी। और ये मैंने चावल बनाया है और सब्जी बनाया है और चरौड़ी चिप्स में छानी हूँ, मिर्ची तली हूँ और नाश्ता बना करके और थोड़ा ज़्यादा मैं छान लेती हूँ ताकि दोपहर में भी सबको हो जाएगा। ये चरौड़ी है दाल चावल के साथ खाइए या तो चाय के साथ लीजिए, ये बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब मैं गैस बंद कर दी हूँ और इसको मैं जा रही हूँ अब देने के लिए। आज तो जन्माष्टमी है, कल व्रत था और आज जन्माष्टमी का फंक्शन होगा। गांव में कल ही था व्रत और मैं जो जिस पंडित जी से पूजा कराती हूँ वो भी बोले जो आज ही है कल के बारे में, 6 तारीख का व्रत है और 7 तारीख को दिल्ली में व्रत है, दिल्ली में इनका जश्न मनाया जाएगा। और फिर मैं रात में कुछ स्पेशल बनाऊंगी। अभी तो ये व्रत में थी इसलिए ये यही खाएगी और ये कुछ भी नहीं खाती। इसके आलू बैंगन टमाटर के सामने इसका पनीर फेल है, सब कुछ फेल है, बस ये यही खाएगी। अब मैं रोटी बना करके और लंच पैक कर रही हूँ। मैं पहली रोटी बना करके
गाय को देती हूँ, और फिर और जो लास्ट वाला रोटी रहता है वो मैं कुत्ते को लेकर देती हूँ। और मैं अभी रोटी निकाल करके फटाफट लंच पैक कर दूँगी। अब मैंने इसका लंच पैक कर रहा करके, और मैं फिर थोड़ा अब मैं जाऊंगी चाय बनाऊंगी, फिर मैं चाय पीऊंगी आज सुबह सुबह का। बस अब जल्दी जल्दी फिर लास्ट में अब मैं बनाऊंगी अदौरी का सब्ज़ी, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं आलू बैंगन टमाटर, इसलिए मैं अब बाद में बनाऊंगी अदौरी का सब्ज़ी। और मेरा वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब मैं और कमेंट भी करें, और ये वीडियो मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ। धन्यवाद।